नूतन बेहद सौम्य और शांत स्वभाव की थी। 70 के दशक में अपनी फिल्मों के जरिए दिखाई लोगों का दिल जीतने वाली एक्ट्रेस नूतन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के लिए 5 बार फिल्म फेयर जीतकर रिकॉर्ड स्थापित किया था। सेट पर वह अपने काम से काम रखा करती थी। एक बार ऐसा हुआ कि गुस्से से तमतमाई नूतन ने फिल्म के सेट पर अपने को एक्टर को सरेआम जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वह एक्टर कोई और नहीं बल्कि संजीव कुमार थे। दिग्गज एक्ट्रेस नूतन को सबसे बहुमुखी अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। 4 दशक के भारतीय सिनेमा में अपने शानदार करियर में वह 70 से अधिक फिल्मों में दिखाई दी थी। 70 के दशक में अपनी फिल्मों के जरिए दिखाई लोगों का दिल जीतने वाली एक्ट्रेस नूतन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के लिए 5 बार फिल्म फेयर जीतकर रिकॉर्ड स्थापित किया है। नूतन निस्संदेह हिंदी सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार थी। अपने शानदार करियर में नूतन कुछ प्रतिष्ठित फिल्मों जैसे सुजाता, बंदिनी, मिलन, मैं तुलसी तेरे आंगन की, अनाड़ी, छलिया, तेरे घर के सामने जैसी कई और फिल्मों में दिखाई दी थी। नूतन बेहद सौम्य और शांत स्वभाव की थी। सेट पर वह अपने काम से काम रखा करती थी। उनकी कभी भी अपने को स्टार्स के साथ अनबन नहीं हुआ करती थी। लेकिन एक रोज ऐसा हुआ कि गुस्से से तमतमाई नूतन ने फिल्म के सेट पर अपने को एक्टर को सरेआम जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वह एक्टर कोई और नहीं बल्कि संजीव कुमार थे। आखिर क्यों उठाना पड़ा था नूतन को ये कदम, इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। तो आइए जानते हैं क्या है ये किस्सा। नूतन और संजीव कुमार फिल्मों में कभी नहीं भुलाए जाने वाले कलाकार हैं। दोनों बेजोड़ अभिनेता और शानदार इंसान थे। संजीव कुमार का फिल्मी बैकग्राउंड कुछ नहीं था। उन्होंने अपनी एक्टिंग और कड़ी मेहनत से इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई थी। वहीं नूतन की माँ एक्ट्रेस रह चुकी थी और पिता मशहूर कवि और डायरेक्टर थे। बालिग होने से पहले नूतन ने अपनी एक्टिंग को हुनर दिखाना शुरू कर दिया था। फिल्मों में जब तक वह स्थापित हुई तब तक वह शादी कर चुकी थी और एक बच्चे की माँ भी बन चुकी थी। नूतन और संजीव कुमार साथ में ज्यादा काम नहीं कर पाए क्योंकि दोनों की नजदीकियों की वजह से नूतन की शादी टूटने की नौबत आ गई थी। दोनों की नजदीकियों की वजह से नूतन के पति को शक हो गया था। फिल्मी मैगजीन पर दोनों को लेकर गॉसिप्स छप रहे थे। इन्हीं गपशप की वजह से नूतन परेशान हो गई थी और इसी वजह से नूतन ने सेट पर पहुंचकर संजीव कुमार को थप्पड़ जड़ दिया था। ये कहानी आज भी कुछ लोग चटकारे लेकर पढ़ते हैं। शमी कपूर और नूतन के प्यार के किस्से आम हैं। शमी कपूर नूतन से शादी करना चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिर नूतन ने साल 1959 में नेवी ऑफिसर रजनीश बहल से शादी कर ली थी। शादी के बाद उन्होंने फिल्मों में काम नहीं करने का फैसला किया लेकिन बेटे मोनीश बहल के पैदा होने के बाद भी उन्हें एक से बढ़कर एक फिल्में मिल रही थी जिसके चलते नूतन वापस फिल्म करने लगी। यह साल 1969 की बात है। नूतन संजीव कुमार की एक फिल्म देवी की शूटिंग कर रही थी। वह स्वभाव से शांत और गंभीर रहती थी। शूटिंग के दौरान ऐसे मौके आए जब नूतन की छिझक खुल गई और वह संजीव कपूर से बात करने लगी और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। खबरें छपने लगी थी जबकि उस वक्त तक नूतन शादी कर चुकी थी और वह एक बेटे की माँ थी। एक दिन फिल्म देवी के सेट पर नूतन की नजर एक मैगजीन पर गई। उसके जरिए नूतन को भी अपने और संजीव कुमार के अफेयर की बात पता चली। यह बात नूतन को कतई पसंद नहीं आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें जब ये पता चला कि खुद संजीव कुमार ने यह अफवाह फैलाई है तो उनके गुस्से का ठिकाना ही नहीं रहा। नूतन इतना गुस्से में आ गई कि उन्होंने भरे सेट पर संजीव कुमार को तमाचा चढ़ दिया। नूतन ने इस बात का जिक्र साल 1972 में एक इंटरव्यू के दौरान किया था। उन्होंने पत्रकार उमा राव से बात करते हुए अपना पक्ष रखा था। पत्रकार से उन्होंने बताया था कि उनके एक करीबी सूत्र से पता चला कि संजीव कुमार ने उनके रिश्ते के बारे में खबर फैलाई थी कि वह उसके साथ रिलेशनशिप में है और उनसे शादी करने की योजना बना रहे हैं। पत्रकार की ये बात सुनकर नूतन ने कहा था, यह सब बकवास है।
उसने क्या सोचा था कि मैं कभी उसके लिए अपने सबसे शानदार पति को छोड़ दूंगी। संजीव मेरे पति के पैर के नाखून के लायक भी नहीं है। नूतन ने यह भी कहा था कि उन्हें अपने एक्शन पर कोई अफसोस नहीं है। थप्पड़ के बाद दोनों के बीच दरार पैदा हो गई थी। उन्होंने इस तलखी को काम के बीच आने नहीं दिया था। तो दोस्तों, नूतन ने संजीव कुमार को सबके सामने थप्पड़ मारा था। इसके बारे में आपकी क्या राय है हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फॉर मोर बॉलीवुड न्यूज़ प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल बॉलीवुड हिकअप्स।